दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को थैंक यू सो मच। सुबह से जितने भी कमेंट्स आप लोगों के आए हैं मैंने सबको पढ़ा है दोस्तों, ऐसा नहीं है कोई भी इग्नोर करके ऐसे ही मैंने लाइक कर दिया हो। आज मुझे पता चला कि काफ़ी सारे लोगों का प्यार और सपोर्ट मेरे साथ में है, तो कभी कभार सोचता हूँ कि लक काफ़ी अच्छा है। दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आप मुझे इस चीज़ का जवाब दें कमेंट बॉक्स में जाकर, आपको किस टाइप की नॉवेल्स पसंद आती है। दोस्तों मुझे रियलिज्म भी पसंद आता है और विक्टोरियन एज में जिस टाइप का रियलिज्म था वो भी पसंद आता है और मॉडर्न एज में जिस टाइप का रियलिज्म था वो भी पसंद आता है, और सुपर नेचुरल एलिमेंट्स वाली भी नॉवेल्स भी पसंद आती है, तो जेन ऑस्टन की नॉवेल्स भी पसंद आती है, लेकिन मोस्टली मुझे रियलिज्म पसंद आता है। और आज हम एक ऐसी ही नॉवेल को डिस्कस करेंगे, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। दोस्तों इस नॉवेल को लिखा था हेनरी जेम्स ने। हेनरी जेम्स एक अमेरिकन ब्रिटिश ऑथर थे, और दोस्तों ये बहुत ही सिंपल सा वर्क है लेकिन बहुत गहरी बात इस नॉवेल के अंदर की गई है। इसको सीरियल से पब्लिश करवाया था हेनरी जेम्स ने 1880 से 1881 के बीच में। ये दोस्तों बहुत ही फेमस वर्क है, और मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर बताइएगा इस वर्क को, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आपको किस टाइप का वर्क पसंद है। शुरू करते हैं दोस्तों। ये वर्क एक साइकोलॉजिकल रियलिज्म है और ये नॉवेल बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है। इसके अंदर कुछ खास सुपर नेचुरल एलिमेंट्स नहीं है, सिंपल सी स्टोरी है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है इसाबेल नाम की एक लड़की से, इसाबेल आर्चर नाम की एक लड़की से, अमेरिकन लड़की से। ये इस कहानी की प्रोटैगनिस्ट है, और दोस्तों बहुत ही इंडिपेंडेंट यंग वूमन है, अकेले रहना चाहती है, इंडिपेंडेंट रहना चाहती है। न्यूयॉर्क सिटी में ये रहती है, और अभी ये आई है इंग्लिश कंट्री साइड वाले इलाके में, यूरोप में, अपनी आंट मिसेस टशट के बुलाने पर। उन्होंने बुलाया है इस कंट्री साइड वाले इलाके में इसको। अब इसके अंकल है मिस्टर टशट और इसका कज़न है रैल्फ। ये बड़ा वार्मली इसका वेलकम करते हैं, ये लोग पहले इससे कभी नहीं मिले, इसकी आंट पहले मिल चुकी है इससे। तो गार्डन कोर्ट नाम की जगह पर ये लोग रहते हैं। अब ये लड़की इनको बहुत खूबसूरत लगी और नेचर भी काफ़ी अच्छा लगा। ये लोग सब इसको बड़ा अच्छा ट्रीट करते हैं, ये पूरी फैमिली इसको अच्छा ट्रीट करती है। लेकिन दोस्तों इन दोनों की, रैल्फ और इसके फादर की तबीयत ठीक नहीं है, मतलब ये लोग बीमार रहते हैं, कुछ ज़्यादा ही बीमार रहते हैं। अब इनका एक डैशिंग नेबर है जिसका नाम है लॉर्ड वारबर्टन, वो भी पहली बार इस इसाबेल को देखकर इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। अब इसको यहाँ रहते रहते 4 महीने हो गए थे, तो यहाँ की सिंपल लाइफस्टाइल से ये बड़ा इम्प्रेस हुई थी। इसके अंकल और इसके कज़न इसके साथ खूब टाइम गुजारते थे, मतलब ये भी उनके साथ अच्छा टाइम गुजारती थी, उनकी हेल्थ में सुधार आ जाता था, मतलब कि वो एनर्जी फील करते थे इसके साथ में रहते हुए। अब इसकी आंट ज़्यादातर टाइम अकेले में गुजारती थी कमरे में, फैमिली से दूर रहती थी। अब ये अंकल और आंटी दोनों इसके बड़ी लंबी, इनकी जो मैरिज लाइफ थी काफ़ी सक्सेसफुल रही थी, और ये बहुत सारी कंट्रीज़ में घूमे थे, अभी यहाँ पर रह रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो इसाबेल अपने अंकल और कज़न के साथ में काफ़ी टाइम गुजारती थी, और उस पड़ोसी लॉर्ड वारबर्टन के साथ में भी बहुत टाइम गुजारती थी। तो उसने कहा कि तुम मेरे साथ देखने चलो, आर्किटेक्चर का इंस्पेक्शन वगैरह करने चलो लॉकली नाम की जगह पर। अब इसने, लॉर्ड वारबर्टन ने अपनी दो सिस्टर्स से भी इसको मिलवाया, मौका देखकर इसने इसाबेल को प्रपोज कर दिया। तो ये प्रपोजल सुन के वो शॉक हो गई, लेकिन उसने बड़े सही ढंग से इस लॉर्ड वारबर्टन को रिजेक्ट कर दिया। लॉर्ड ने भी ज़्यादा इस बात को लिया नहीं, और वैसे ही फ्रेंड की तरह इससे मिलता जुलता रहता था, ताकि इसको भी फील ना हो कि मैंने इसका प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दिया तो ये क्या सोचेगा। ज़्यादा कुछ सोचा नहीं इसने, ये वैसे ही फ्रेंड की तरह मिलता था। अब यहाँ पर दोस्तों एक अमेरिकन जर्नलिस्ट आती है, हेनरिएटा स्टैकपोल नाम की। तो इसाबेल ने सोचा कि इसके ज़रिए वो अपना करियर बना सकती है, हेनरिएटा के ज़रिए। ये हेनरिएटा यहाँ पर यूरोपियन लाइफस्टाइल की रिपोर्टिंग कर रही थी अपने न्यूज़पेपर कॉलम के लिए। तो रैल्फ इन दोनों को, हेनरिएटा को और अपनी कज़न को, दोनों को लेके गया सोशल सीन दिखाने के लिए लंदन का। तो वो सिटी दिखा रहा था, ये लंदन सिटी दिखा रहा था इन दोनों को, ये अपनी सिस्टर इसाबेल और इस हेनरिएटा को। अब लंदन में घूमते वहाँ पे रहते हुए इस इसाबेल को एक और मैरिज प्रपोज़ल मिला, लेकिन इसने फिर से उस प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया। एक अमेरिकन बिजनेसमैन था दोस्तों, गुडवुड नाम का, जो इसका पीछा कर रहा था इसाबेल का, और इसाबेल भी इसकी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट हुई, लेकिन ये इससे शादी नहीं कर सकती थी इसाबेल।
गुडवुड को पसंद भी करती थी लेकिन शादी नहीं कर सकती थी क्योंकि इसे ऐसा लगता था कि इस शादी से इसकी पर्सनल फ्रीडम से इसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। वो अभी इस लाइफ में किसी को साथ लिए बिना बिना बाउंडेशंस के यूरोप को एक्सपीरियंस करना चाहती थी, जगह जगह घूमना चाहती थी। तो गुडवुड को वो बोल देती है कि मैं टोटल इंडिपेंडेंट रहना चाहती हूँ और शायद कभी तुम्हारी अच्छी वाइफ नहीं बन पाऊँगी। तो वो भी मान जाता है, वो भी ज़्यादा कोई इस पर प्रेशर नहीं देता। अब दोस्तों इसी बीच एक और अमेरिकन लेडी की एंट्री होती है जिसका नाम है मैडम मर्ली। ये इसकी आंट की ओल्ड फ्रेंड है। ये यहाँ पर आती है और इसाबेल से इसकी दोस्ती हो जाती है इस टाइम पर। तो यहाँ पर इसके अंकल की हेल्थ बिगड़ रही है। मैंने आपको बताया था इसके अंकल और कज़न की हेल्थ ख़राब है, तो अंकल की हेल्थ बिगड़ रही थी। इसका कज़न रैल्फ अपने फादर को बोलता है। ये रैल्फ के बारे में मैंने आपको बताया नहीं कि ये अपनी कज़न इस इसाबेल के ड्रीम्स को पूरा करना चाहता है। ये पर्सनल फ्रीडम मिले इसको, और ये अपने फादर को राज़ी करवाने लग जाता है कि आप जाते जाते अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ पैसा इसाबेल को भी देते हुए जाओ। तो वो ऐसा ही करते हैं, दे जाते हैं पैसा, वो गुजर जाते हैं। तो इसाबेल को बड़ा दुख होता है अपने अंकल की डेथ का, लेकिन इसके अंकल इसको पैसा दे करके गए थे अपनी प्रॉपर्टी में से, तो वो घबरा जाती है कि मुझे क्यों पैसा दे करके गए। लेकिन वो अपने अंकल का एक गिफ्ट समझ करके इस पैसे को रख लेती है और फैसला करती है कि वो इस पैसे को सही जगह लगाएगी वर्ल्ड में चेंज लाने के लिए। अब इसको इसकी आंट की तरफ से वार्निंग मिली, उस जर्नलिस्ट की तरफ से वार्निंग मिली कि इंडिपेंडेंट रहना अच्छी बात है लेकिन अपने पैसे को सिक्योर रखना, लोग तुम्हारे पैसे का एडवांटेज लेने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसाबेल को कोई चिंता नहीं है, वो यूरोप घूमने लगी, इंग्लैंड घूमने लगी, यूरोप में इंग्लैंड में घूमने लगी, फ्रांस में, इटली में, अलग अलग लोकेशंस पर ये जाने लगी। अब दोस्तों मैडम मर्ली के बारे में मैंने आपको बताया, इसके थ्रू इसकी मुलाकात होती है एक ओल्ड आदमी से, गिलबर्ट ऑस्मोंड नाम की आदमी से, जो कि एक ओल्ड जेंटलमैन है। तो इसाबेल बड़ी इम्प्रेस हुई इस आदमी से क्योंकि इस आदमी ने वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का एक्सपीरियंस ले रखा था, आर्टिस्टिक टेस्ट था इस आदमी का, और ये इसाबेल की तरह फ्री रहना पसंद करता था। हालांकि इसकी एक बेटी थी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इन दोनों ने बहुत टाइम साथ में गुजारा, इसाबेल ने और इस आदमी ऑस्मोंड ने। लेकिन मैडम मर्ली और ये ऑस्मोंड दोनों मिलकर क्या चाहते थे दोस्तों, एक्चुअली इसके पैसे का एडवांटेज लेना। अब 4 महीने तक ऑस्मोंड के साथ रहते रहते इस ऑस्मोंड ने इसको प्रपोज कर दिया। सारी फैमिली और फ्रेंड्स को दिख रहा था कि इसको शादी नहीं करनी चाहिए ऑस्मोंड जैसे आदमी से, वो पैसे का भूखा है बस। लेकिन इसने ब्लाइंड होकर ऑस्मोंड से शादी कर ली। कमाल है, दो दो लड़के छोड़ दिए और आ करके इस ओल्ड आदमी से शादी की है। अब शादी को 2 साल गुजरे दोस्तों, ये लोग रोम में रह रहे हैं इस वक्त। रोम में रहते रहते ये दोस्तों इनके 2 साल हो चुके हैं, शादी को 2 साल गुजर चुके हैं, और ये शादी बिल्कुल बेकार शादी है, बेकार शादीशुदा लाइफ जी रहे हैं, शादी सक्सेसफुल नहीं है। ऑस्मोंड इसको अपनी वाइफ की बजाय एक आर्ट कलेक्शन की तरह ट्रीट करता है, और इसाबेल भी बहुत अनहैप्पी है क्योंकि वो भी एक पार्टनर चाहती थी इस तरह से कोई। इसने तो सेल्फिश और डोमिनेटिंग आदमी से शादी कर ली, इसने ऐसा सोचा। अब ऑस्मोंड की दोस्तों मैंने आपको बताया एक बेटी है पैंसी, ये उसे बड़ा पसंद करती, बहुत प्यार करती है क्योंकि वो बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है, अपने फादर की हर बात मानती है। अब दोस्तों ये पैंसी बहुत ही अच्छी दोस्त बन गई है इसाबेल की। अब इसाबेल का एक जान पहचान का चाइल्डहुड फ्रेंड है दोस्तों, एडवर्ड रोजियर नाम का, जो कि एक आर्ट कलेक्टर है इस वक्त, वो पैंसी के साथ प्यार में पड़ जाता है। तो इसाबेल इन दोनों को सपोर्ट करती है कि शादी कर लो, लेकिन ऑस्मोंड वो इन दोनों की शादी के लिए राज़ी नहीं है। एडवर्ड रोजियर और इसकी बेटी पैंसी की शादी के लिए राज़ी नहीं है, वो इसको पसंद नहीं करता क्योंकि ये एक आर्ट कलेक्टर है, मतलब इसके पास इतना पैसा नहीं है और करियर भी इसका ज़्यादा पैसे वाला होने नहीं वाला। तो अपनी बेटी से बोलता है कि तुम इस लॉर्ड वर्बर्टन से शादी कर लो, उसके पास अच्छा पैसा है और वो तुमको पसंद भी करता है। अब दोस्तों यहाँ पर इस इसाबेल को क्या चिंता है कि ये जो बंदा है वर्बर्टन, ये एक्चुअली पैंसी से शादी इसलिए कर रहा है क्योंकि ये आज भी इसाबेल को पसंद करता है, ये इसी के करीब आना चाहता है, शायद आज भी मुझसे प्यार करता है और मेरे ही करीब आने के लिए पैंसी से शादी कर रहा है। अब इसाबेल को पता चलता है कि इसके कज़न रैल्फ की तबीयत बहुत सीरियसली ख़राब हो गई है, लगभग वो मरने ही वाला है। अब ये उसके पास जाना चाहती थी लेकिन इसके हस्बैंड ऑस्मोंड ने मना कर दिया कि नहीं जाना।
अब इसी बीच इसाबेल को एक सच पता चलता है दोस्तों, कि ये जो पैंसी है ये किसकी बेटी है, ये ऑसमॉन्ड को मैडम मर्ली से हुई थी। और ये सच पैंसी को भी नहीं पता कि मैडम मर्ली की बेटी है एक्चुअली ये। अब ये इंग्लैंड जाना चाहती है अपने भाई रैल्फ के पास में, लेकिन इसके हस्बैंड की परमिशन नहीं है, परमिशन लिए बिना ही चली जाती है। और पैंसी इससे रिक्वेस्ट करती है कि आप वापस ज़रूर लौट के आएंगी रोम, ठीक है, क्योंकि पैंसी इससे बहुत प्यार करती थी अपनी स्टेप मदर से। अब दोस्तों वहाँ जाने के बाद में इसाबेल अपने भाई रैल्फ से मिलती है, अपने कज़न रैल्फ से मिलती है, जब तक कि वो गुजर नहीं गया, ये उसके पास ही थी। जब वो गुजर गया तो इसको बड़ा दुख हुआ, अब ये जाए कहाँ, अपने हस्बैंड के पास जाए, डिलेमा था दिमाग में कि हस्बैंड के पास जाए या यहीं रुके या क्या करे आगे। तो वो अमेरिकन बिजनेसमैन गुडवुड इसके पास आया और बोला कि भाग चलो मेरे साथ में, इसको ऑफर दिया एक तरह से। और अगले दिन ये चली भी गई, लेकिन अपने हस्बैंड और पैंसी के पास। और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है।